गुड मॉर्निंग एवरी वन, हाउ आर यू ऑल? एज यू पीपल नो, वी आर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. वी विल बी कॉन्टिन्यूइंग द सेम टूडे. इन द प्रीवियस लेसन वी हैव लर्नड अबाउट वुमेन हेल्थ इन इंडिया. इन टूडेज लेक्चर वी विल बी डूइंग हेल्थ अ बेसिक ह्यूमन राइट एंड वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग सम डेफिशेंसीज इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. थर्ड टॉपिक दैट वी विल बी डूइंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर. How is it essential for economic development of a country? Fine, let's start. Health, a basic human right. जो health है एक basic human right है जो किसी को भी deny नहीं किया जा सकता. ठीक है, first point, all citizens, first point है आपका, all citizens can get better health facilities if public health services are decentralized. अगर public health facilities को मतलब कि जो government hospitals होते हैं उनको बहुत ज़्यादा spread कर दिया जाएगा तो सभी citizens को better health facilities मिल सकती हैं. why? और कैसे ये possible होगा? because जो government hospitals हैं वो बहुत less charge करते हैं अपनी treatment के लिए. on the other hand जो private hospitals हैं बहुत exorbitant charge करते हैं. they charge very very high. And it is not possible for poor population, for poor people to approach private hospitals. Fine. And if public hospitals are available, government hospitals are available, such people can easily approach such hospitals and get their treatment done. Second point, success in the long-term battle against disease depends upon education and efficient health infrastructure. अब बहुत सारे लोग infect हो जाते हैं हर साल diseases से. अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनमें जो कि uneducated होते हैं. ठीक है, अनएजुकेटेड होना और डिजीज़ ज़्यादा होना इकोनॉमी में, इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है भाई? जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं ना, दे आर नॉट अवेयर अबाउट प्रिवेंशन. ठीक, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़. ठीक है, कैसे उनको ट्रीट किया जाए, प्रिवेंट किया जाए. सो ऐसे लोग भाई ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ में ऐड ही करते हैं, है ना. और अगर हमारे यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जितने बेड्स रिक्वायर्ड है उतने बेड्स अवेलेबल नहीं है, जितने हॉस्पिटल्स रूरल एरियाज़ में रिक्वायर्ड हैं भाई उतने हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली जो डिजीज़ के अगेंस्ट हमारी फाइट है हम उसमें हार जाएंगे. थर्ड देखिए, टेलीकॉम एंड आईटी सेक्टर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द हेल्थ प्रोसेस इन द इकोनॉमी. अब जो हमारे यहाँ का टेलीकॉम सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, वो बहुत बहुत अच्छा रोल परफॉर्म करते हैं लोगों को अवेयर करने में या हेल्थ प्रोसेस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने में. इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. देखो, आप सब ने एक ऐड देखी होगी अक्षय कुमार की, दिस वन, है ना, जिसमें वो आवाज़ साइकिल पे आते हैं मिस्टर अक्षय कुमार. ठीक है, पूछते हैं, ओ नथु तू यहाँ हॉस्पिटल के बाहर खड़ा फू फू क्या कर रहा है. यहाँ से स्टार्ट होती है ऐड, और आप में से मैक्सिमम बच्चों ने तो क्या सब ने ही देखी होगी ऐड. अब इसमें वो एक तो इसको स्मोकिंग के अगेंस्ट क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि भाई तू स्मोकिंग मत कर, जो दो सिगरेट के पैसे तू यहाँ पे वेस्ट कर रहा है वो कहीं और पे यूज़ हो सकते हैं. दूसरा, इसने वुमेन हेल्थ के ऊपर भी इसी ऐड को फोकस किया था, ऑन वुमेन हेल्थ ऑल्सो. सो हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है या हमारा जो इंटरनेट सेक्टर है, हमारा जो इंटरनेट है वो लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने में बहुत 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 अच्छा रोल प्ले कर रहा है. फोर्थ पॉइंट देखेंगे, लेट्स सी फोर्थ पॉइंट. द इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर प्रोग्राम्स रेस्ट ऑन द प्राइमरी हेल्थ केयर, सो सीरियस स्टेप शुड बी टेकन टू इम्प्रूव दैम. अब प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या आ जाता है भाई? आपके जो PHCs, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, एक ऐसा हॉस्पिटल जो रूरल एरिया के अंदर सेटअप किया जाता है. दे हैव सिंगल डॉक्टर, सिंगल नर्स, बेसिक मेडिसिन. एंड क्या करते हैं ये लोगों को, इसका मेन फंक्शन क्या होता है PHCs का, कि जो आसपास के रूरल एरियाज में लोग हैं ना उनको एजुकेट करना, डिजीज़ को किस तरीके से प्रिवेंट करना है, ठीक है, हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है. तो अगर PHCs का स्प्रेड ज़्यादा होगा, ठीक है, तो हेल्थ जो रूरल एरियाज के अंदर हेल्थ है वो भी बेटर हो जाएगी. नेक्स्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP. अब ये कॉन्सेप्ट आपको हो सकता है अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर सेट होता है एग्जाम में, ठीक है, वी आर स्टिल नॉट श्योर हाउ इज CBSE गोइंग टू सेट योर पेपर, क्या वो ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा या फिर दोनों का मिक्सचर होगा, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट. सो अभी जब आपको प्रिपेयर करना है तो हर एक एंगल से आपको प्रिपेयर करना है. डीप नॉलेज लेनी है अगर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, और डीप नॉलेज प्लस लेंथ आप बना सके पेपर में, उसके लिए आपको सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव पेपर में बना सके, इसके लिए आपको
इस तरीके से भी प्रिपेयर करना पड़ेगा जब तक कि CBSE की गाइडलाइंस प्रॉपर नहीं आ जाती। फाइन, चलिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैन इफेक्टिवली इंश्योर रिलायबिलिटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी ऑफ बोथ ड्रग्स एंड मेडिकेयर। ठीक है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर इकट्ठे हाथ मिला के भाई हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जितने सारे डैम्स, रोड्स, रेलवेज, ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर, उनमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अलाउ कर दी गई है और कितने अच्छे से डेवलप भी हो गए हैं भाई। रोड्स कितने अच्छे हैं, ठीक है, रोड्स कई जगह पे बहुत अच्छे बनाए गए हैं जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ बने हैं। देन डैम्स या कोई बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हैं और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू चल रहे हैं। सो व्हाई नॉट इन हेल्थ केयर? अगर हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाती है तो वो भी बाकी सेक्टर्स की तरह और भी इम्प्रूव हो जाएगा। कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हों जो कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों ऑपरेट करें, मेंटेन करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन आर कंट्री। सो यहाँ पे भाई हम अब नेगेटिव्स डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या नेगेटिव्स हैं, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ नेगेटिव्स आर देयर इन आर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्स्ट वन, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। अब आप लोगों को पहले भी ये कॉन्सेप्ट करवाया गया था कि इंडिया की 70% पॉपुलेशन, मेजॉरिटी पॉपुलेशन कहाँ रिसाइड करती है, रूरल एरियाज के अंदर, पर जो हॉस्पिटल्स की अवेलेबिलिटी है सिर्फ 20% है, ठीक है। सो दिस शुड बी इम्प्रूव्ड। इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होनी चाहिए कि अर्बन एरियाज के अंदर जहाँ पे पॉपुलेशन रिलेटिवली रूरल एरियाज के कंपैरिजन में थोड़ी कम है और वहाँ पे ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, विच इज़ रॉन्ग भाई, इक्वल होना चाहिए, है ना। चलिए, कम्युनिकेबल डिसीजेज। कम्युनिकेबल डिसीजेज क्या होती हैं, विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इंक्रीजिंग अटेंशन इज नीडेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज लाइक एड्स, HIV, SARS थ्रू इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स। थर्ड पॉइंट, पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज। सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अगर अच्छी नहीं होंगी, ठीक है, तो उसका एक नुकसान ही होगा कि डिजीज़ का जो बर्डन है हमारी कंट्री पे और ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। अभी भी आपको पता है बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं विच हैव नॉट डेवलप्ड ओपन डिफिकेशन फ्री सिस्टम। अब ये क्या होता है, आपके साथ ना एक मैं न्यूज़पेपर क्लिपिंग शेयर करती हूँ आगे, वेट। आपको पता है एक ऐसी स्टेट है इंडिया के अंदर जिसको टोटली ओपन डिफिकेशन फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है? कौन सी स्टेट है? तेलंगाना है, ठीक है। अभी ये 1 वीक पहले की न्यूज़ है, शेयर करती हूँ आपके साथ। तेलंगाना स्टूड फर्स्ट इन द कंट्री इन द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस विलेजेस अंडर स्वच्छ भारत मिशन Phase 2 प्रोग्राम। Phase 2 में ये ग्रामीण, मतलब कि रूरल एरियाज को टारगेट कर रहे थे। ओपन डिफिकेशन फ्री का क्या मतलब है कि अब इस स्टेट के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर लोगों के घर में टॉयलेट्स अवेलेबल हैं, दे डू नॉट हैव टू गो आउटसाइड बुशेज वगैरह के अंदर या बाहर कहीं जाकर उनको फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, उनके घर पे ही टॉयलेट अब अवेलेबल है, ठीक है। पढ़ते हैं आगे, टिल December 31, 2021 एज मैनी एज 13,737 आउट ऑफ 14,200 विलेजेस इन द स्टेट आर ऑन द ODF प्लस लिस्ट विच इज़ 96.74। कितना हाई है भाई ये, ठीक है। दिस वॉज फॉलोड बाई तमिलनाडु। तमिलनाडु में सिर्फ 35.39 विलेजेस जो हैं दे आर ओपन डिफिकेशन फ्री। कर्नाटका में 5.50, गुजरात सिर्फ 0.45 जो है, विच इज़ वेरी वेरी लेस। सो तेलंगाना तो भाई टॉप कर गया इस लिस्ट के अंदर। चलिए आगे देखते हैं, जब सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो फिर भाई डिजीज़ का बर्डन तो बढ़ेगा ना। चलिए, लैक ऑफ मैन पावर। इंडिया के अंदर हर साल बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, मेडिकल कॉलेजेस प्रोड्यूस करते हैं, पर वो सब के सब कहाँ चले जाते हैं, जहाँ तुम लोग जाना चाहते हो, कनाडा, कैनेडा, है ना, कैनेडा या बाहर की कंट्रीज़ में, अब्रॉड जाना चाहते हैं ऐसे बच्चे या ऐसे जो डॉक्टर्स प्रोड्यूस करती है हमारी कंट्री वाइफ फॉर बेटर लिविंग, जो कि बहुत गलत बात है ना। अगर आपने सर्विसेज अपनी कंट्री की ली हैं, आपने पढ़ाई लिखाई अपनी कंट्री से की है, सो वाई गिव योर सर्विसेज आउटसाइड। चलिए, मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हेन
प्रॉपर न्यूट्रिशन किसी पर्सन को अवेलेबल नहीं है। आप लोगों ने कई बार टीवी पे ऐड भी देखी होगी, या अगर इंटरनेट सर्फ करते हो तो कई बार ऐड आती है ना डोनेशन वगैरह की, वो लोग डिमांड करते हैं। कई बार टीवी पे मैंने ऐड देखी है भाई, ठीक है, मल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन के लिए वो लोग डोनेशन डिमांड करते हैं। उसमें एक बच्चे की पिक्चर वो लोग दिखाते हैं, छोटा सा बेबी होता है, उसका स्केलेटन, उसकी बोन्स सब विजिबल होती हैं, वो मल न्यूट्रिशन है। जब एक बच्चे को या किसी अडल्ट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, प्रॉपर कैलोरीज नहीं मिलती हैं, जो उसकी हालत हो जाती है, ठीक है, दैट इज़ मल न्यूट्रिशन। ठीक है, प्रॉपर कैलोरीज ना अवेलेबल होना, प्रॉपर फूड ना अवेलेबल होना, उस वजह से। तो ये भी एक चैलेंज है हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। नेक्स्ट है रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर हैज़ नॉट बीन सो सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग एडिक्वेट हेल्थ स्ट्रक्चर, देयर इज़ नीड टू इंक्रीज कोलैबोरेशन ऑफ पब्लिक विद प्राइवेट टू मीट हेल्थ केयर नीड्स ऑफ पीपल। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर अभी भी जो है सफिशिएंट नहीं है। आप लोगों को बताया गया था, एक मैंने चार्ट शेयर किया था लास्ट लेक्चर्स में, है ना, क्या शेयर किया था, उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक टेबल दिखाया था पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का। उसमें आपको बताया गया था कि कितनी पुअर कंडीशन है हमारे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की। ठीक है, पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो तो डिक्लाइंड है, ठीक है, कम है, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल यहाँ पर ज़्यादा है। उस वजह से क्या है, प्राइवेट सेक्टर दे वर्क फॉर प्रॉफिट्स, और वो जो लोगों से चार्ज करेंगे दैट विल बी ऑल्सो ऑन अ हायर साइड। जब वो हायर साइड पे होगा तो क्या एक मिडिल क्लास है, एक पुअर पर्सन उसको अफोर्ड कर पाएगा? भाई बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। सो गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसको रिजॉल्व करने के लिए। नाउ लास्ट टॉपिक, इंफ्रास्ट्रक्चर इसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट्स एज अ सपोर्ट सिस्टम, इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस all economic activities by increasing the productivity of factors of production and improving the quality of life. Economic development का और infrastructure का दोनों का positive relationship है, there is positive correlation between the two. Correlation आपने किया होगा 11th standard stats के अंदर, ठीक है, the relationship between two variables, economic development और infrastructure के बीच में कैसा relationship होता है भाई, positive relationship. If infrastructure growth is there, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल बी देयर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका सही नहीं है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हैम्पर होगी, सफ़र करेगी। देखिए, इन द लास्ट सिक्स डेकेड्स, लास्ट 60 ईयर्स में इंडिया हैज़ मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउएवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन अनइवन। अभी आपको करवाया मैंने कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तो हो गया, बट उसकी सारा जो मेजर उसका जो होल्ड है वो कहाँ पे है, अर्बन एरियाज के अंदर है, रूरल के अंदर तो भाई है ही नहीं है, बहुत कम है। मैनी पार्ट्स ऑफ रूरल इंडिया आर येट टू गेट गुड रोड्स, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं अभी भी जिनके अंदर टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, अच्छी रोड्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। एज इंडिया इज़ मूविंग टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, देर इज़ इंक्रीजिंग डिमांड फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, वैसे वैसे ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड है वो भी बढ़ रही है। और ज़्यादा रोड्स होनी चाहिए, और ज़्यादा हॉस्पिटल्स होने चाहिए, और ज़्यादा स्कूल्स ओपन होने चाहिए। After the economic reforms of 91, various concessions and incentives have been provided to the private sector and foreign investors in order to attract them for investing in infrastructure facilities. अब यहाँ पे इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए हमने क्या अलाउ कर दिया भाई, हमने अलाउ कर दिया है फॉरेन सेक्टर को, ठीक है, कि आप यहाँ आए, इन्वेस्ट करें और हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दें। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल बी कंटिन्यूइंग टुमारो। थैंक यू एवरीवन।